नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीएससी के न्यायिक सेवा परीक्षा के इंटरव्यू आरंभ हो चुके हैं, जो 17 जुलाई तक चलेंगे। और उसके संबंध में एक वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डाला था कि किस तरह का प्रारूप हो सकता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरव्यू में किस किस विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन से विषय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के लिए। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है उसमें, वो है एनफोर्सेबिलिटी का। फंडामेंटल राइट्स को हम एनफोर्स करा सकते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम एनफोर्स नहीं करा सकते। अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो संवैधानिक अधिकार, जो मूल अधिकार नहीं है, उनके उल्लंघन के लिए संविधान में क्या उपचार है। क्या इन संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कुछ क्वेश्चंस जो और आते हैं, जैसे आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के प्रतिपादक कौन थे। संविधान, हमारा भारत का संविधान का नेचर क्या है, फेडरल है, अगर फेडरल है तो उसके फीचर्स क्या हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल। कभी कभी कुछ साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से प्रीएम्बल पूछ ली जाती है, तो अगर हो सके तो आप प्रीएम्बल को याद करके जाएं। प्रीएम्बल पूछी जा सकती है, कई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो के संबंध में जो आर्टिकल हैं 32 और 226, उनमें क्या डिफरेंस है। अन्य जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, कभी कभी आर्टिकल 17 भी पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है 103वां, 10% आर्थिक आरक्षण वाला, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, जैसा कि जिसका हम आंसर जानते हैं, अनुच्छेद 15(5) और 15(6) में इसका प्रावधान जोड़ा गया है। तो इसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट जो टॉपिक है, राइट टू प्राइवेसी के संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 50, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मेनका गांधी का केस, केशवानंद भारती का केस, गोलकनाथ का केस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके संबंध में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा संविधान में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे ये जो परीक्षा कंडक्ट करा रहा है लोक सेवा आयोग, तो उसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। इसके अलावा और कौन कौन से आयोग हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, कुछ नए आयोग है तो SC ST आयोग, OBC आयोग। OBC आयोग अभी रिसेंटली 102वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसका प्रावधान किया गया 2018 में, तो उसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग संविधान में, पूरे संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और संविधान के मूल अधिकारों में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, और उस पर कौन कौन से केस लॉज हैं, उनके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती वाले केस में प्रतिपादित किया गया था, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, यानी कौन कौन सी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको हम अमेंड नहीं कर सकते। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, इमरजेंसी कब इम्पोज की जा सकती है, इमरजेंसी कैसे इम्पोज की जा सकती है। आर्टिकल 356, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और जो प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हम एक सेकेंड वीडियो और बनाएंगे, जिसमें बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।